बेस थ्योरम में भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, और बेस थ्योरम में सबसे पहले हम लिखेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में नोट कीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैपिटल ए इज गिवन बाय PA is equal to PE1 into PA upon E1 plus PE2 into PA upon E2 plus ... लास्ट में लिखिएगा PEN इंटू PA अपॉन EN। ठीक है, इस पूरे को मैं बस ऐसे करके लिख रहा हूँ और इसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा नहीं, मैं इसका एग्जांपल लूँगा, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊँगा कि ये चीज़ क्या है। देखिए, थोड़ा सा आपको इसका हिंट देता हूँ। इसमें ऐसा है कि हमारे पास कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे बेस थ्योरम में, जिसमें हमको कोई ना कंडीशन दे रखी होगी। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि बारिश हो जाए। मान लीजिए ये तो इवेंट है, इवेंट हो जाए, बारिश हो जाए। फिर वो कहते हैं कि भाई एक हमको प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि जून के महीने में बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हमने ये कह दिया इवन क्या है, मंथ ऑफ जून, इवन इवेंट। ए जो है ये तो हो गया कि वेदर इट रेन्स और नॉट, तो रेनिंग की प्रोबेबिलिटी जो है, रेनिंग वाला जो इवेंट है उसको हमने कैपिटल ए मान लिया। अब जब लिखा हुआ है पी ए अपॉन इवन, गुड इवनिंग, तो इवन को हमने मान लिया, इवन का मतलब हो गया मंथ ऑफ जून, तो पी ए अपॉन इवन का मतलब क्या हो जाएगा, रेन इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है भाई, इसको मत करो, अभी वो जो डॉग है उससे ज्यादा खतरा जो है वो ठंड से है, जरा सा भी खुला रह जाए तो इतनी ठंड होती है कि पूछो मत। तो ये हो गया। इसी तरीके से हमने कहा पी ई टू मल्टीप्लाइड बाई पी ए अपॉन ई टू, तो पी ई टू का मतलब क्या हो गया, मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, और ए अपॉन ई टू का मतलब क्या, रेन इन द मंथ ऑफ जुलाई। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमसे ये पूछा जाए कि भाई आपको सैंपल स्पेस दे रखा है चार महीनों का, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। अब इसमें जून में रेन हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो जून में रेन होने की प्रोबेबिलिटी हो गई ए अपॉन ई वन, जुलाई में रेन होने की प्रोबेबिलिटी हो गई ए अपॉन ई टू, अगस्त की ए अपॉन ई थ्री, सितंबर की ए अपॉन ई फोर। ये क्या हो गया, और इसी तरीके से अब आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये चार महीने हैं आपके पास, रेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या करोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन, ये क्या हो जाएगा, जून में रेन होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हो जाएगा जुलाई में रेन होने की, फिर अगस्त वाली, फिर सितंबर वाली, सबको ऐड कर दो। क्योंकि ऐड क्यों करना है, क्योंकि क्या है कि या तो जून में हो और जुलाई और अगस्त और सितंबर, तो जहाँ भी और आएगा, और का मतलब यूनियन, यूनियन का मतलब एडिशन, यहाँ पर भी एंड आ जाएगा। एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो जून में रेन होने की प्रोबेबिलिटी पी ए अपॉन ई वन है, तो मंथ भी तो जून का होना चाहिए, तो जून का महीना और जून में रेन होने की प्रोबेबिलिटी, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करा। सर मान लो जून और जुलाई की दे रखी है और बोला जाए कि जून में बारिश होगी इतनी, तो फिर देखेंगे तो कितनी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, ये वो मैं भी बताऊंगा, टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आ जाएगी और ये वाला टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो मैं अभी बताता हूँ उस चीज़ के बारे में भी, फिलहाल एक एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। और देखिएगा, अच्छा, जो चीज़ हमसे पूछी जाती है ना,
उसको जो चीज़ हमसे पूछी जाती है वो तो हमको वो वाली प्रोबेबिलिटी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ चीज़ ना दे रखी होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ दे दी कि भाई हाँ ये काम हो गया, जैसे मान लीजिए ये बता दिया कि जून के महीने में बारिश हो गई, तो जो इवेंट हो गया उसको हमें ए मान लेना है। बस इस चीज़ को दिमाग में ध्यान रखना, जो इवेंट हो गया है ना उसको ए मान लो। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक इवेंट ऐसा दे रखा होगा कि ये इवेंट अकर कर चुका है, ये इवेंट हैपन कर चुका है, तो आप उसको ए मान लेंगे बस। और उसके बाद जो बाकी इधर उधर के जितने भी इवेंट्स हैं उनको फिर E1, E2, E3 वो सब मानते रहना, ठीक है। लेकिन सबसे पहले पूरा कहानी के तौर पर क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, तो जो क्वेश्चन में कहानी लिखी होगी उसमें बस ये देखना है कि कौन सा इवेंट हैपन हो चुका है। जैसे मैं एग्जाम्पल देखता हूँ, एग्जाम्पल 15 है, पेज नंबर 550। पेज नंबर 550, एग्जाम्पल नंबर 15। तो इसमें देखिए क्या दिया है इन्होंने, अ पर्सन हैज़ अंडरटेकन अ कंस्ट्रक्शन जॉब। एक पर्सन, एक आदमी है, उसने कंस्ट्रक्शन का काम पकड़ा है ना कि भाई मैं कंस्ट्रक्शन का ये काम आप मैं कर दूंगा। अब उसके बाद तो प्रोबेबिलिटीज आर वो कंस्ट्रक्शन का काम लेबर की हेल्प से करवाएगा, अकेला तो करेगा नहीं, ठीक है। तो फिर है द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। तो अब जो वर्कर्स हैं उन्होंने हड़ताल कर दी, ठीक है, तो हड़ताल होने की प्रोबेबिलिटी 0.65। हड़ताल ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर? 0.35 है ना। अच्छा, हड़ताल हुई तो नहीं, हड़ताल हुई तो नहीं। तो जो चीज़ हो जाती है उसको दिमाग में ये रखना है कि कौन सी चीज़ हो गई है ना। अच्छा, अभी प्रोबेबिलिटीज दे रहे हैं, कॉमा 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। तो 0.80 इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि स्ट्राइक नहीं हुई, हड़ताल नहीं हुई और जो कंस्ट्रक्शन का काम था वो अपने टाइम से कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर अगला देखें, एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक। तो अगर स्ट्राइक हो जाता है तो स्ट्राइक के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन जॉब अपने टाइम पर कंप्लीट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.32, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, ध्यान देना लास्ट वाली लाइन पर, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट हो जाए तो ये मेरा इवेंट हो गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जॉब कौन सी चीज़ है जो हो रही है, कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पर कंप्लीट हो रहा है, मुझे उसी की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट, और उसके बाद फिर चांसेस वाली चीज़ें लिखेंगे, आइदर दिस और दैट, आइदर दिस और दैट, फिर उसमें सोचेंगे कि E1 E2 किसको देना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो चीज़ हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए, तो इसमें लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो लेट ए बी द इवेंट। And give the event that construction job will be completed let a be the event that construction job will be completed on time। एक तो ये हो गया। अब जो अलग अलग जो circumstances बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं, हड़ताल हो सकती है या हड़ताल नहीं हो सकती। तो लेट E1 बी द इवेंट दैट देयर विल बी अ स्ट्राइक एंड E2 बी द इवेंट दैट देयर विल बी नो स्ट्राइक, ठीक है। तो यहाँ लिखें let E1 be the event that there will be no strike। तो देखिए सर भाई P E1 बता दो, उन्होंने क्या बोला कि The probabilities are 0.65 that there will be a strike. तो strike होने की probability 0.65. तो P E1 कितना हो गया? 0.65. तो भाई strike ना होने की probability क्या हो जाएगी? 0.35. 1 minus 0.65 यानी कि 0.35. ठीक है? ये हो गया। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा?
उसके बाद हम ये चीज़ लिखेंगे ए अपॉन ईवन। तो ए का मतलब क्या था कि रेन होने की प्रोबेबिलिटी, ईवन क्या था जून के महीने में रेन, तो जून के महीने में रेन, यानी कि अगर मैं ए अपॉन ईवन लिखूंगा यहाँ, अगर हम ए अपॉन ईवन लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी थी ना, नहीं स्ट्राइक होगी है ना, कि स्ट्राइक होने के बावजूद टाइम पर काम कंप्लीट हो जाएगा, वो जरा देखो क्या है 0.8 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक है ना, तो वो तो 0.80 है, तो वो क्या हो गया, वो पी ए अपॉन ई टू है। अच्छा इन दोनों में कभी भी ये रूल मत लगाना, देखिए E1 E2 हो सकता है, कोई तीसरा इवेंट भी हो, E3 भी हो, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर तो चलिए ये दो इवेंट हो गए, या तो स्ट्राइक होगी या स्ट्राइक नहीं होगी, और स्ट्राइक से रिलेटेड कुछ और हो सकता है नहीं ना, है ना, तो ये तो ये हो गया कि E1 और E2। अच्छा इनमें वो रिलेशन मत लगाना कि अच्छा 0.80 है तो ये 0.20 ही होगा, इन दोनों का सम हमेशा वन नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं, इनमें बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं कि भाई स्ट्राइक की वजह से काम रुक गया, भाई बारिश की वजह से भी तो काम रुक सकता है, बारिश की वजह से भी तो काम रुक सकता है, या वर्कर्स की तबीयत खराब हो जाए उसकी वजह से भी तो काम डिले हो सकता है, तो इसमें बहुत सारी कंडीशंस आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने स्ट्राइक और नो स्ट्राइक वाली चीज़ दी है, तो यहाँ पर तो बस वही दो इवेंट हो गए, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, ऑनलाइन वाले बता दें प्लीज, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, उन्होंने ये नहीं पूछा कि स्ट्राइक हो या ना हो, मेरे को मतलब नहीं है भाई स्ट्राइक हो या ना हो, मुझे तो काम टाइम पर कंप्लीट चाहिए, ठीक है, तो हम ये कहेंगे पी ए निकालना है फिर हमको, सिर्फ पी ए यानी कि कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो क्या क्या हो सकता है, पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन, इसका मतलब क्या है, स्ट्राइक हो गई और स्ट्राइक होने के बावजूद भी टाइम पर कंप्लीट हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही इवेंट हैपन हो रहे हैं, ये काम भी टाइम पर कंप्लीट हो रहा है और स्ट्राइक भी हो रहा है, और का मतलब बीच में एडिशन, पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू, इसका मतलब क्या है कि स्ट्राइक नहीं हुई और टाइम भी काम भी टाइम पर कंप्लीट हो गया, तो इन दोनों का भी मल्टीप्लीकेशन, लेकिन ये दोनों अलग अलग मतलब अकरेंसेस हैं कि इवेंट्स की, तो आइदर दिस और दैट करके हम बीच में एडिशन का सही लगा देंगे, तो यही हमारा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है और यही बेस बनेगा बेस थ्योरम का, ठीक, तो पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन, तो पी ई वन 0.65 और पी ए अपॉन ई वन 0.32 प्लस पी ई टू 0.35 इंटू पी ए अपॉन ई टू 0.80 ये हो गया, ठीक है, अब जरा इसको मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको कैलकुलेटर से ही कर रहा हूँ मैं, 0.0280 ठीक है, तो 0.65 मल्टीप्लाइड बाई 0.32 तो 0.208 आ गया पहला वाला, और प्लस इन दोनों में करेंगे 0.28 ठीक है, अब सोचिएगा कि इसमें ये हमारा क्या था, ये था थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या 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 कुछ कुछ हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है ना, ये तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया। अब अगर मान लीजिए वो आपसे ये कहें कि भाई स्ट्राइक हो जाए, जैसे यहाँ पर था कि स्ट्राइक हो जाए, तो स्ट्राइक होना मतलब इवन, कि स्ट्राइक भी हो जाए, हमारा तो प्रोग्राम इतना फिक्स है कि स्ट्राइक भी हो जाए ना, उसके बावजूद भी हमारा काम जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा, तो अगर वो पूछें कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज अ स्ट्राइक, तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या निकालना है, आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई, और स्ट्राइक वाली प्रोबेबिलिटी कौन सी है, ये वाली है ना, तो टोटल प्रोबेबिलिटी को रखोगे डिनोमिनेटर में और स्ट्राइक वाली प्रोबेबिलिटी को रख दोगे न्यूमरेटर में, दिस इज कॉल्ड बेस थ्योरम।
भाई हम शुरुआत से जब से हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू करा आई थिंक 8th या 9th क्लास से, तो तब से हम प्रोबेबिलिटी में क्या देख रहे हैं, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. अब क्या देखेंगे, फेवरेबल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी. अब ये देखेंगे, ठीक है ना, पहले था फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, अब देखेंगे फेवरेबल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी. तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे निकल गई, ठीक है, और फेवरेबल प्रोबेबिलिटी कौन सी है, वो ये वाली है, इवन वाली. तो इसको न्यूमरेटर में रख देंगे, समझ गए. सर टोटल प्रोबेबिलिटी तो बनी होगी ना. हां इवन वाले क्यों, क्योंकि स्ट्राइक के बावजूद टाइम पर कंप्लीट हो रहा है काम, अगर ये पूछा जाए. अच्छा. अगर ये पूछा जाए तो हां टोटल प्रोबेबिलिटी तो बनी होगी. टोटल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल है ना ये. अच्छा, तो कंडीशनल वाले को मैं टोटल पर नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो टोटल 0.488 आ रही है, ठीक है. अच्छा अब देखिएगा, अब एग्जांपल नंबर 16 पर आ रहा हूँ मैं, और मैं बेस थ्योरम सीधा इसी में अप्लाई करूँगा एग्जांपल नंबर 16 में. मैं ये मिटा रहा हूँ इधर से, एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, इसमें बोल रहे हैं बैग फर्स्ट कंटेन्स 3 red and 4 black balls while another bag second contains 5 red and 6 black balls. दो बैग हैं मेरे पास, बैग फर्स्ट बैग सेकंड, बैग फर्स्ट में 3 red 4 black, 3 red 4 black, बैग सेकंड में 5 red 6 black, 5 red 6 black. उसके बाद देखिए, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड. हाँ भाई, इट इज फाउंड टू बी रेड, तो रेड बॉल तो मिल गई मेरे को, तो यही मेरा इवेंट ए हो गया. जो इवेंट हो जाता है अगर उसको मैं ए बोल देता हूँ, और यहाँ पर लिखिएगा लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल. लेट ए बी द इवेंट, नहीं रुकना अभी, ऑफ ड्रॉइंग आर रेड बॉल, ठीक है. अच्छा अब इसके बाद क्या है, अब ये पूछ रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड. लाल बॉल दो अलग अलग बैगों में से आ सकती है, तो रेड बॉल सेलेक्ट करने से पहले तो मैं बैग सेलेक्ट करूंगा कि मैं कौन से बैग में से निकाल रहा हूं, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों बैगों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो ई1 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट, ई2 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग सेकंड. बस ये हो गया, हम ये लिखेंगे लेट ई1 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग फर्स्ट एंड ई टू क्या हो गया, बैग सेकंड का, सीधा बस बैग सेकंड लिख दिया हमने ऐसे कि बैग सेकंड को सेलेक्ट करने का इवेंट जो है वो ई2 हो गया, ठीक है. तो जरा बताना भाई ई1 कितना हो जाएगा, 1/2. सिमिलरली मैं E2 वो भी 1/2, भाई दो में से एक सेलेक्ट करना है 1/2, ठीक है ना. तो PE1 भी 1/2 और PE2 जो है ये भी 1/2, ये हो गया. उसके बाद जरा बताइए PA/E1 क्या हो जाएगा, A/E1 टोटल, मतलब लाल रेड बॉल सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 1, बताओ जरा. 3/7, ठीक है. इसी तरह से PA/E2 बता दो, 5/11. अब वो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, बैग सेकंड में से लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी. तो उसको पता है उसमें फिर टोटल केसेस निकालेंगे, मतलब फेवरेबल प्रोबेबिलिटी अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी. तो उसको लिखने का तरीका क्या है, लिख देंगे PE2/A, जैसे A/E2 लिखा हुआ है. अच्छा ये अपॉन ना
हम बोल रहे हैं, जबकि इसको बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड ई टू, ये बोला जाता है ऐसे ही ए अपॉन ई टू बोल रहे हैं। अपॉन के लिए तो स्लैश बनाते हैं, स्लैश नहीं होता, सीधी लाइन बनानी है आपको, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको लिखेंगे पी ई टू अपॉन ए। पहले तो इधर लिख लो पी ई टू अपॉन ए, पी ई टू अपॉन ए, फिर ई टू वाली प्रोबेबिलिटी ऊपर, ई टू वाली कौन सी है, ये दिस इंटू दिस, तो पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू अपॉन पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस ये हो गया। सेकंड बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, अब बस वैल्यू डाल लिया आंसर निकालना है, तो पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू, मेरा देखना कितना हो गया, पी ई टू वन अपॉन टू इंटू फाइव अपॉन इलेवन, अपॉन वन अपॉन टू इंटू थ्री अपॉन सेवन प्लस वन अपॉन टू इंटू फाइव अपॉन इलेवन। अब इधर भी वन अपॉन टू, इधर भी वन अपॉन टू कॉमन लिया जा सकता है, वन अपॉन टू इंटू फाइव अपॉन इलेवन, नीचे वन अपॉन टू इंटू वन अपॉन टू से वन अपॉन टू कट गया, फाइव अपॉन इलेवन, और सेवन और इलेवन का एलसीएम हो जाएगा 77, सेवन इलेवन सा इलेवन थ्री सा 33 और 11 7 का 7 5 का 35, तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 5 into 77 अपॉन बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में 33 और 35 कितना हो गया 68, 11 7 का 77 फिर 35 अपॉन 68 आ गया, चेक करिए यही है ना, 35 अपॉन 68। एग्जाम्पल नंबर 17 एक बार करिए जरा ट्राई, एक मिनट का टाइम दीजिए आप।
बन गई बात, बन गई बात इसमें क्या हुआ, आंसर मिला लिया? ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 17 बता दें भाई, ऑनलाइन वाले हो गया कि नहीं? आप बताओ भाई, आप सबसे हो गया? हो गया, चलिए थोड़ी सी ट्रिक है इसमें बस, ये ऑनलाइन वाले शांत बैठे बता ही नहीं रहे भाई। बता दो भाई, अवंतिका, हार्दिक, लक्ष्य, शरण्या, बताओ एग्जाम्पल नंबर 17 जो है ना, 17 में एक बार बताता हूँ आपको, गिवन थ्री आइडेंटिकल बॉक्सेस, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जैसे अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था कि इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमसे ये बोला था कि दो बैग हैं, तो दो बैग हैं तो उसका मतलब क्या हो गया कि बैग वन और बैग टू। अब ऐसे ही दो तीन बॉक्सेस हैं, आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, तो उन बॉक्सेस को भी तो पहले सेलेक्ट करेंगे, उनकी जो उनको सेलेक्ट करने का जो इवेंट होगा, इवन हो गया बॉक्स फर्स्ट का, ई टू हो गया बॉक्स सेकंड, ई थ्री हो गया बॉक्स थर्ड, तो पी ई वन, पी ई टू और पी ई थ्री। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई इन इवेंट्स की, ये 1/3 हो गई। यहाँ तक तो ठीक है ना, ये 1/3 हो गई। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद ये है कि इन बॉक्स वन बोथ कॉइंस आर गुड। अच्छा, ये तो देखा ही नहीं कि भाई क्या मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर, इवेंट क्या हो रहा है। अब इन्होंने बोला कि इन बॉक्स वन बोथ कॉइंस आर गोल्ड कॉइंस, इन बॉक्स सेकंड बोथ आर सिल्वर कॉइंस, एंड इन बॉक्स थर्ड देयर इज वन गोल्ड एंड वन सिल्वर कॉइन। अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन। वो एक तीनों में से किसी एक बॉक्स में से एक कॉइन निकालता है, ठीक है। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, इसका मतलब गोल्ड कॉइन आ रहा है उसका सेलेक्ट। इवन तो हो गया इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स वन, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स टू, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बॉक्स थ्री। वो कॉइन सेलेक्ट करने से पहले बॉक्स सेलेक्ट करेगा कि मैं कौन से बॉक्स में से निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि तीन बॉक्स हैं और तीनों बॉक्स एक जैसे हैं, तो पहले तो वो बॉक्स सेलेक्ट करेगा, तो तीन में से एक 1/3। ऐसे ही पी ई टू भी तीन में से एक, तो 1/3, 1/3, 1/3, ये हो गया। जैसे हम कॉइन उछालते हैं ना, तो कॉइन उछालने पर या तो हेड आता है या टेल आता है, तो 1/2, 1/2, हेड और टेल दोनों की। ऐसे डाइस फेंकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबकी अलग अलग आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1/6, 1/6, ऐसे ही 1/3, 1/3, 1/3 तीनों की प्रोबेबिलिटी हो गई। उसके बाद देखिएगा, अब जब वो कॉइन लेता है, सेलेक्ट करता है, तो वो गोल्ड का आता है, इवेंट दैट का ड्रॉम कॉइन इज ऑफ गोल्ड, वो जो कॉइन वो ड्रॉ कर रहा है वो गोल्ड का कॉइन आता है उसके पास, ठीक है। चलिए जी, अब आप ये देखिएगा कि फिर मैं निकालूंगा पी ए अपॉन इवन, पी ए अपॉन इवन, तो भाई बताओ जरा गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स वन में से गोल्ड कॉइन आने की प्रोबेबिलिटी। उन्होंने बोला इन बॉक्स वन बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, तो दोनों ही गोल्ड कॉइन है, और दोनों ही गोल्ड कॉइन है तो 2/2 भाई, टोटल कॉइन्स कितने हैं 2, और दोनों ही कॉइन गोल्ड के हैं, तो गोल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स तो 2/2 तो 1 हो गया, पी ए अपॉन इवन तो 1 हो गया। नहीं समझे? हमने ये कहा कि एक बैग है, इस बैग में रेड बॉल कितनी है 3, और टोटल बॉल कितनी है 7, ठीक है, तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/7। अब दो ही कॉइन है, दोनों ही गोल्ड के हैं, तो गोल्ड अपॉन टोटल यानी कि 2/2 तो 1 हो गया, गोल्ड ही आएगा तो 1 आ गया। अब इसके बाद हो गया पी ए अपॉन पी टू,
बी ए अपॉन ई टू में कहते हैं वो इनबॉक्स सेकंड बोथ आर सिल्वर कॉइंस, दोनों सिल्वर के हैं तो गोल्ड के कितने हैं जीरो, और टोटल कॉइंस कितने हैं दो, तो जीरो अपॉन टू यानी कि जीरो। प्रोबेबिलिटी दैट द हाँ अ पर्सन चूजेस अ बॉक्स एट रैंडम एंड टेक्स आउट अ कॉइन इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो ऑफ गोल्ड। ठीक है, सीधा ना पूछकर घुमाकर पूछा है, इनको ये पूछना चाहिए था कि उसके पास गोल्ड कॉइन आया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स वन, है ना, ये पूछना चाहिए था। उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड दूसरा कॉइन, एक कॉइन तो हमने गोल्ड का निकाल लिया, तो जो बचा हुआ दूसरा कॉइन है वो भी गोल्ड का हो, ऐसा तो सिर्फ केस वन में ही हो सकता है, बॉक्स वन में ही हो सकता है, क्योंकि उसी में दोनों कॉइन गोल्ड के हैं। तो इसका मतलब आपसे पी ई वन अपॉन ए पूछा जा रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि पी ई वन अपॉन ए पूछा जा रहा है, अब कर लेंगे, अब तो छोड़ दो, अब तो फॉर्मूला लगा कर कर लेंगे भाई। ऊपर लिखना है पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन, और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी पी ई वन इंटू पी ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई टू इंटू पी ए अपॉन ई थ्री, ये करना, मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन वाले बता दें सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगला क्वेश्चन देख लें। ठीक है, नहीं कोई बोल ही नहीं रहा, सब ये सोच रहे हैं कि ये बोलेगा मैं बोलूंगा, ठंड लग रही होगी घर पर भी। चलिए ठीक है, सर लैपटॉप को वो देता हुआ था ठंडा, हाँ लैपटॉप का कीबोर्ड और माउस। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 18। देखो भाई, अवंतिका का मैसेज आ गया है कि क्लियर, और शरण्या का भी मैसेज आ गया, लेकिन ये हार्दिक और लक्की जो है ना, ये शांत बैठे हैं, इनको ज़्यादा ठंड लगी है। चलिए ठीक है, चलो भाई अब अगला देखते हैं जरा। एग्जांपल नंबर 18 देखते हैं। Example number 18. Suppose that the reliability of a HIV test is specified as follows. तो एक HIV test होता है, और HIV test की जो reliability है उसके बारे में नीचे detail में दे रखा है उन्होंने, ये case study वाला question है, ऐसा question paper में जरूर बनता है, और इस पर आप important mark भी कर लें, इस पर star mark कर लीजिए, question important है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें इन्होंने क्या पूछा, of people having HIV, एक वो लोग जिनको HIV है, जिनको सचमुच में HIV है, जो सचमुच में बीमार हैं, HIV हो रखा है उनको, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज। तो 90% ऑफ द टेस्ट, भाई अलग अलग लैब से टेस्ट करवा लिया, तो 90% जो टेस्ट हैं वो तो डिटेक्ट कर लेते हैं डिजीज़ को, बता देते हैं कि हाँ भाई आपको HIV है, उन्होंने तो बता दिया। एंड 10% गो अनडिटेक्टेड, तो 10% गो अनडिटेक्टेड का मतलब क्या है कि 10% जो टेस्ट हैं वो ये कहते हैं कि भाई आपको HIV नहीं है, यानी कि फॉल्स रिपोर्ट आ रही है, गलत रिपोर्ट आ रही है। अच्छा, ये तो हो गया ऑफ पीपल हैविंग HIV में, कि जिनको सचमुच में HIV है उनका सही रिपोर्ट और गलत रिपोर्ट, ये आ गया। फिर वो बोल रहे हैं ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, तो एक कैटेगरी उन लोगों की हो गई जिनको सचमुच में HIV है, उनकी टेस्ट रिपोर्ट कैसी कैसी आएगी वो इन्होंने दे दी। एक कैटेगरी वो हो गई जिनको HIV नहीं है, उनकी टेस्ट रिपोर्ट क्या कहती है, देखिए ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV 99% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड HIV नेगेटिव। HIV नेगेटिव का मतलब क्या है कि हाँ HIV नहीं है। ठीक है, तो 99% ऑफ द टेस्ट क्या कहते हैं कि हाँ भाई वो सही रिपोर्ट देते हैं। ठीक, लेकिन 1% आर डायग्नोज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव, है ना, तो ये 1% वाले बहुत खतरनाक हैं, उसको HIV तो है नहीं, उसको बता दिया HIV और बेचारा वैसे ही जीता जी मर जाएगा वो। ठीक है, अब आगे देखिए, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच, अब ये तो इन्होंने टेस्ट की रिलायबिलिटी के बारे में बताया कि जिनको HIV है उनकी रिपोर्ट क्या क्या आ सकती है, जिनको HIV नहीं है उनकी रिपोर्ट क्या क्या आ सकती है, तो ये दो लाइनों में तो इन्होंने ये समझाया। अब तीसरी लाइन देखिए, तीसरी लाइन क्या है, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, एक बड़ी पॉपुलेशन है, मान लीजिए कोई विलेज है या कोई छोटा टाउन है या कोई सिटी है,
फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव एचआईवी। तो एक लार्ज पॉपुलेशन में हमें पहले से ही पता है कि 0.1% को एचआईवी है, 1% सेलेक्टेड एट रैंडम, 1% को उठाकर लिया है कि आज अभी तेरा टेस्ट करेंगे। चलिए भाई अब उसका टेस्ट करा जा रहा है, गिवन द एचआईवी टेस्ट, इसका एचआईवी टेस्ट होता है एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम और हर एज एचआईवी पॉजिटिव। इसको मार डाला बेचारे ने पैथोलॉजिस्ट ने कि भाई तेरे को एचआईवी पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब क्या है कि पैथोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट कर दिया कि उसको एचआईवी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये इवेंट वो है जो इवेंट हैपन हो चुका है, उससे पहले वाली दो जो लाइनें थी उसमें ये समझाया गया था कि किस किस तरीके की रिपोर्टें आती हैं, लेकिन इस तीसरी लाइन में ये बता दिया कि एक लार्ज पॉपुलेशन में जिसमें पता है 0.1% को सचमुच में एचआईवी है, 1% को रेंडमली सेलेक्ट करा गया और उसका टेस्ट किया, पैथोलॉजिस्ट ने कह दिया भाई इसको एचआईवी पॉजिटिव है। तो जो चीज़ हो चुकी है वो इवेंट ए है। तो हम इवेंट ए किसको मानेंगे, दैट पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट दैट इट इज एचआईवी पॉजिटिव, ही इज एचआईवी पॉजिटिव। अभी रुक जाओ जरा, उसके बाद है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज एचआईवी, ठीक है। अब जरा सुने, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट दैट पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स एचआईवी पॉजिटिव। तो पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट ये कह दे कि भाई एचआईवी पॉजिटिव है, ये तो जो भी पर्सन है वो एचआईवी पॉजिटिव है। तो ये तो ये हमारा इवेंट हो गया। अब ई1 और ई2 क्या है, ई1 और ई2 में क्या है, देखिए इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज एचआईवी। तो इसका मतलब क्या है कि सचमुच में भी एचआईवी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि एचआईवी ना हो, तो ये दो ही तो केसेस हो सकते हैं भाई। रिपोर्ट तो आ चुकी है एचआईवी पॉजिटिव की, अब क्या हो सकता है, या तो एचआईवी है या एचआईवी नहीं है। तो ई1 और ई2 यही हो गए। Let even be the event. Sir. Let even be the event that person actually that person is actually HIV positive. And E2 be the event that person is HIV negative. ये समझ में आ गया, E1 और E2 कैसे लिया, A समझ में आ ही गया होगा, जो इवेंट हो चुका है वो A है, ठीक है। अब उसके बाद भाई PE1 क्या है, ये टेस्ट कहाँ पर हो रहा है, ये टेस्ट कहाँ पर हो रहा है, तीसरी लाइन पढ़ाएं केस स्टडी की, तीसरी लाइन, फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव एचआईवी, ठीक है। तो ये उस पॉपुलेशन की तो बात करेंगे, वो सारी दुनिया की बात तो करेंगे नहीं, सिर्फ उस पॉपुलेशन की, क्योंकि उसी में से एक बंदा सेलेक्ट करा जा रहा है। ऑफ विच ओनली 0.1% हैव एचआईवी, है ना। तो एक्चुअल में मतलब इवन भी दैट पर्सन एक्चुअली एचआईवी पॉजिटिव है, तो ये P1 हो गया, यानी कि 0.1%। अब इसको क्या करेंगे, परसेंट में दे रखा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 0.1/100। मेरी बात समझ में आ गई, नहीं समझे? सर मुझे ये और E1 में क्या डिफरेंस, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस है कि अभी हाल फिलहाल हमने देखा ये कोरोना वायरस वाला है ना, तो कोरोना के कई बार क्या होता था, खांसी हो गई, अब दो तीन दिन तक अब खांसी हो गई, पता चला कि घर में कि भाई लॉकडाउन लगा हुआ है, चलो भाई घर की साफ़ सफाई ही कर लो, है ना, घर बड़ा गंदा पड़ा रहता है, ठीक। तो अब घर की साफ़ सफाई के चक्कर में वो डस्ट वस्ट की कुछ एलर्जी हो गई, अब खांसी आनी शुरू, छींके आनी शुरू, भाई कोरोना हो गया मेरे को, तो कमाल है, ये तो हवा में फैल चुका है, ठीक। अब आप टेस्ट कराने पहुंच गए, अब वो एक दिन तक धक धक होती रही कि भाई रिपोर्ट क्या आएगी, अब उसने रिपोर्ट वाले ने बोल दिया कि भाई पॉजिटिव है, अब तुम्हारी खांसी ठीक हो गई, है ना, अब तुम्हारी खांसी ठीक हो गई, कह रही है मेरे को कोई सिम्टम नहीं, एसिम्प्टोटिक है। ये भी चल रहा था, खैर चलो उस चीज़ को छोड़ो। तो अब ये क्या है, ये जो ए है ना, ये ए का मतलब क्या है कि एक पॉपुलेशन में कुछ लोग हैं 0.1% है जिनको एचआईवी पॉजिटिव है,
पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अब उसमें से किसी एक बंदे को निकाला गया और उसका टेस्ट करा गया और पैथोलॉजिस्ट ने कह दिया भाई HIV पॉजिटिव तू तो गया, ठीक है उसको बोल दिया गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो HIV पॉजिटिव उसने रिपोर्ट में दे दिया, रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है, रिपोर्ट गलत भी तो हो सकती है, सबने करा कि कहाँ फंस गया भाई, तो वहाँ कराओ ना टेस्ट, ये तो ऐसे ही उल्टा सीधा कुछ भी दे देता है। तो ये वो चीज़ है कि पैथोलॉजिस्ट ने कह दिया कि आप HIV पॉजिटिव हैं, समझ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में लास्ट लाइन पढ़ो, क्वेश्चन की लास्ट लाइन दोबारा पढ़िए ध्यान से, उसमें पूछना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV। एक्चुअली हैज HIV का मतलब क्या है कि अब आपको E1 और E2 ये वाले देखने हैं कि भाई एक्चुअल में है या रिपोर्ट ही आपकी गलत आ गई। तो हमने कहा E1 भी द इवेंट दैट पर्सन इज एक्चुअली HIV पॉजिटिव और E2 भी द इवेंट दैट पर्सन इज HIV नेगेटिव। तो जो उन्होंने दे रखा है ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन ओनली 0.1% हैव HIV पॉजिटिव, तो भाई ये तो हो गया हमारा P1 के उसको एक्चुअल में HIV पॉजिटिव है, ठीक है। 0.1/100 कर दिया। अब इसके बाद PE2 की बात करते हैं कि भाई उसको HIV है ही, है ना, तो वो कितने हो गए, 0.1% था, होता क्या 100% या तो वो कर लो या 1- दिस कर लो, है ना, आपकी मर्जी है, आप 99.9% कर सकते हैं, 99.9%। तो इसका मतलब भी क्या हो गया, 99.9/100% खत्म करने के लिए। तो इसमें एक काम और करो, ये पॉइंट परेशान कर रहा है मेरे को, तो ये पॉइंट उड़ा दिया तो नीचे 1000, ये पॉइंट उड़ा दिया तो नीचे 1000, तो बेटा ये हो गया 1/1000 और ये हो गया 999/1000, ठीक है, समझ गए। और हम जानते हैं PE1 और PE2 का सम 1 होता है हमेशा, अगर 3 इवेंट हो गए PE1 PE2 PE3 तो उनका सम 3, उसका सम भी 1 होगा, है ना। चलिए जी, ये हो गया PE1 E2। अच्छा अब ये बता दो जरा PA/E1, अब ये ध्यान से समझ लेना, PA/E1 का मतलब क्या है कि रिपोर्ट जो पैथोलॉजिस्ट है उसने कहा कि HIV पॉजिटिव है और आपको सचमुच में HIV पॉजिटिव है, तो जरा अब मेरे को केस स्टडी जहाँ से शुरू होती है वहाँ पर पढ़ना है, ऑफ पीपल हैविंग HIV, ऑफ पीपल हैविंग HIV मतलब क्या है कि आपको एक्चुअली HIV है, है ना। E1 का मतलब ये है कि आपको एक्चुअली HIV है, रिपोर्ट भी यही कहती है, तो वो कहते हैं 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिजीज, तो 90% हो जाएगी इसके द्वारा, 90% का मतलब हो गया 90/100, ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे PA/E2, तो PA/E2 का मतलब क्या है कि रिपोर्ट तो कहती है HIV पॉजिटिव लेकिन आप यू आर फ्री फ्रॉम HIV। तो अगली लाइन क्या है, ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, कि जिन लोगों को HIV नहीं है 90% ऑफ द टेस्ट आर जज्ड HIV नेगेटिव, तो HIV नेगेटिव नहीं चाहिए मुझे, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो वो कितना है, 1% आर डायग्नोस्ड एज HIV पॉजिटिव, तो 1%, ये हो गया 1%, 1% का मतलब हो गया 1/100, ठीक है। जल्दबाजी मत करना कि 0 से 0 काट दूंगा तो 9/10 कर दूंगा, इधर भी डिनोमिनेटर में 100, इधर भी 100, एक वो सिमिलैरिटी बनी रहेगी, इधर भी 1000 इधर भी 1000, तो वो बना रहेगा एक, मतलब हम डिवाइड जब करेंगे इसको तो आसानी से हो जाएगा। तो देखिएगा अब जरा बताओ कि पूछ क्या रहे हैं फिर, कि HIV पॉजिटिव है या नहीं है सच में, हाँ हाँ, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV, मतलब PE1/A पूछे, हाँ है ना, PE1/A लिखने का तरीका है बस, PE1/A, ठीक। तो जरा करते हैं इसको, PE1/A इज इक्वल टू PE1 into PA/E1 plus PE2 into PA/E2, ठीक है जी। वैल्यू डालिए 1/1000 90/100, 1/1000 multiplied by 90/100 अपॉन फिर से एक वैल्यू 1/1000 into 90/100 प्लस PE2 999/1000 into 1/100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90/1 के आगे 50 अपॉन 90/1 के आगे 50
प्लस 999 अपॉन 1 के आगे 50। अब 90 अपॉन 1 2 3 4 5 और 999 इंटू 90 कितना हो जाएगा? प्लस। हाँ प्लस करेंगे ना, तो 0 प्लस 9 इज 9 और 9 प्लस 9 इज 18, 1 कैरी आ गया, 1089 हो गया अपॉन 1 के आगे 50, 1 2 3 4 5। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो इससे तो पूरा ही कैंसिल आउट हो गया 90 अपॉन 1089। तो मुझे लगता है शायद 9 से डिवाइड हो जाएगा, हो रहा है ना भाई? 9 1 9 और 10 - 9 इज 1, 1 8 18, 9 2 18 और 9 1 9 और 9 10 10, तो 10 अपॉन 121 आ रहा है। इसको कैलकुलेटर से एक बार सॉल्व करके देख लो, आप 10 अपॉन 121 लिखेंगे तो भी ठीक है, 0.082 आ रहा है आंसर भी, देखिए यही होगा है ना आंसर का 90 अपॉन 102। अच्छा इसी तरह से दे रखा है, ठीक है 90 अपॉन 1089 भी दे रखा है या फिर 0.083 दे रखा है, ठीक है चलेगा, ये भी ठीक है या फिर 0.083 बोल दीजिए, ये भी ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? नहीं ये पता कैसे चलेगा ये मैं बताता हूँ, ये पता चलेगा जब आप एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 13.3 का क्वेश्चन नंबर 5 ये नोट कर लो, मार्क करो, ये आपको करना है ठीक है। हाँ ये होमवर्क है, और इससे पहले के सारे क्वेश्चन, मतलब ये पांचों क्वेश्चन कर लेना 13.3 के, ठीक है। और एग्जांपल 19 आसान है, आप ट्राई कर सकते हैं, एग्जांपल 19 आसान है, 20 भी कर सकते हैं, 21 छोड़ देना वो मैं करा दूँगा, 21 मैं करा दूँगा भाई, टेंशन तो नहीं है, कुछ सब ठीक है, समझ गए कि नहीं? ठीक है। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ सभी को, ये क्वेश्चन अभी समझ में आया, ये 2 दिन बाद बिल्कुल ब्लैंक हो जाना है, ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा, इसलिए इसको कल ही दोबारा भी पढ़ लेना, आपको बोरियत होगी कि यार ये क्यों दोबारा पढ़वा रहे हैं, लेकिन फिर भी कल ही पढ़ लेना इसको कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था समझ लेना, नहीं तो परसों बिल्कुल भूल जाओगे, ठीक है। हाँ क्या सर, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल आ रहा है तो ये आप देखते उसका ही क्वेश्चन है कौन सा बताओ। चलिए जी फिर आज इतना ही करते हैं। हाँ जी बोलिए। कोई गोल सी चीज तो नहीं दिख रही, ब्लैक सी गोल सी चीज है, छोटी सी। अरे ये माइक का, हाँ मैं समझ गया था, है ना? अच्छा अच्छा मिल गया मिल गया, बस मुझे लगा तुम आगे बढ़ो कहीं और पैर के नीचे आ जाओ, नहीं वो ज्यादा तो पूरा ही समझ रहा हूं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हां जी बोलिए सर, तो फिर ये वाला नहीं आएगा ना? ये वाला हां ना ना ना, तो ये उसमें दे रखा था टुगेदर विद में, जबकि इस साल का एडिशन ही है। अगर आप सैंपल पेपर में देखेंगे जो सीबीएसई ने इशू करा उसमें नहीं होगा ये।